Yes, you have read about the sword of Tipu Sultan made of wood steel. Tipu Sultan ki sword that he used during the Battle of Seringapatam in the Port Anglo-Mysore War. At present, that sword is in Museum of England. तो टीपू को टीपू की स्वॉर्ड जो थी दैट वाज मेड ऑफ वुड स्टील. माइकल फैराडे द डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही रेड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वुड स्टील क्वालिटीज ऑफ द वुड स्टील. माइकल फैराडे डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and he spent 4 years to study the properties of wood steel that was popular in South India. But production of iron and steel in South India came down. It got declined because iron and steel from England displaced the iron and steel product produced by crafts people in India. Iron and steel, अब England से India आना शुरू हो गया था. Due to this reason, iron and steel production in India came down. क्योंकि कहाँ से आ गया iron and steel? East India Company imported iron and steel from Britain. ईस्ट इंडिया कंपनी ने आयरन एंड स्टील ब्रिटेन से मंगाना शुरू किया अपनी कंट्री से. सो आयरन एंड स्टील अर्लियर बैड इंपैक्ट्स ऑन वीवर्स कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे बैड इंपैक्ट पड़े विद द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन. यू हैव रेड ऑल दीज ना. अब इंडियन आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन पे भी बैड इंपैक्ट पड़े क्योंकि आयरन एंड स्टील अब कहाँ से आना शुरू हो गया? इंग्लैंड. सो ड्यू टू दिस रीजन iron and steel production in India came down, but still in villages there were some iron smelters. अभी भी villages में कहते iron smelters थे that used local deposits for smelting iron. Local deposits means iron ore use करते थे and from iron ore they by smelting they produced iron. लोकल स्मेल्टर्स थे यहाँ पे विलेजेस में जो अभी भी अपने ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करते थे. दे यूज चारकोल वुड एंड व्हाइल स्मेल्टिंग एंड यूज लोकल डिपॉजिट सच एज आयरन ओर एंड व्हाइल स्मेल्टिंग दे क्या करते थे वो आयरन की प्रोडक्शन एंड दैट आयरन वाज यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स और टूल्स एक्सेट्रा. तो विलेजेस में अभी भी आयरन स्मेल्टर्स थे बट दीज आयरन स्मेल्टर्स हैड टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स. आयरन स्मेल्टर्स मोस्टली मेल होते थे. वुमेन जो होती थी वो एयर पंपिंग का वर्क करती थी. वुमेन वर्क्ड द बेलोज पंपिंग एयर दैट केप्ट द चारकोल बर्निंग. स्मेल्टिंग कौन करते थे? Men. And women क्या करती थी? Women worked the bellows, pumping air so that charcoal जो है वो उसकी आग ना बुझ पाए. Women pumped air that kept the charcoal burning. तो इस वे से वो iron smelters villages में work करते थे but these iron smelters they had to face lots of problems. For example, first of all, the British passed forest law. British ने forest law pass की. By these laws, British divided forest into reserved and protective and common village forest. So, people, forest dwellers, they were not allowed to move in forest areas to collect चारकोल वुड. अब उन्हें वो कलेक्ट करने का राइट नहीं था. आयरन स्मेल्टर्स नॉट एवर नॉट अलाउड टू एंटर द फॉरेस्ट एरियाज.
अब वो फॉरेस्ट एरियाज जा ही नहीं पाएंगे बिकॉज ब्रिटिश पास फॉरेस्ट लॉज एंड बैंड द एंट्री ऑफ द इंडियन पीपल. अब आयरन स्मेल्टर्स कहाँ से रॉ मटेरियल, कहाँ से लाएंगे आयरन ओर, कहाँ से लाएंगे चारकोल वुड, अब उन्हें अलाउ ही नहीं था फॉरेस्ट में जाना. Sometimes they entered the forest in an illegal way. पकड़े भी जाते थे. They got strict punishments by the British. कई बार वो ऐसी एंट्री करते थे and they got strict punishments. But it was not easy for them to carry on their occupation for long period of time. ऐसे हालात में क्या वो अपना occupation चला सकते थे? कितनी देर वो चोरी करते हैं? They steal the iron ore. और वी कैन से चारकोल वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट. उन्हें स्टीलिंग की आदत पड़ेगी, चोरी करने की आदत पड़ेगी फ्रॉम द फॉरेस्ट एरियाज आयरन स्मेल्टर्स को. बट अपना ऑक्यूपेशन आगे नहीं लेते जा पाए. उन्हें प्रॉब्लम आई विद द कमिंग ऑफ फॉरेस्ट लॉ. अब ब्रिटिश अलॉट सम आयरन स्मेल्टर्स टू एंटर द फॉरेस्ट एरियाज. अगर ब्रिटिश ने कुछ को एंटर करने का राइट दे भी दिया बट इन रिटर्न दीज पीपल हैड टू पे हाई टैक्सेस. इन्हें टैक्सेस देने थे गवर्नमेंट को, तो इट मीन्स टैक्सेस इतने ज्यादा थे उतना उन्हें इनकम भी नहीं थी, तो उनके उनको लॉस ही हो रहे थे. टैक्स ज्यादा है, इनकम कम है, तो क्या कोई ऐसा काम करेगा? टैक्स ज्यादा भरो, इनकम कम होगी, क्या कोई ऐसा बिजनेस करेगा? नो. तो इट मीन्स आयरन स्मेल्टर्स को पहले तो लॉ पास हुए फॉरेस्ट लॉ, अब ना तो उन्हें आयरन ओर मिलता था ना ही उन्हें चारकोल वुड. सेकंड, इफ दे वर अलाउड बाय द गवर्नमेंट, अगर ब्रिटिश ने उन्हें अलाउ भी किया टू एंटर द फॉरेस्ट एरियाज बट दे हैड टू पे हाई टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, तो इट मींस वो अब नहीं जा पा रहे थे, उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं था ये काम. थर्ड, इंडियन मार्केट्स, जितने इंडिया में इंडस्ट्रीज थे दे स्टार्टेड यूजिंग आयरन एंड स्टील दैट वाज इम्पोर्टिंग फ्रॉम ब्रिटेन, जो ब्रिटेन से आ रहा था वो उसे यूज कर रहे थे. अपनी कंट्री का आयरन एंड स्टील वो नहीं यूज कर रहे थे. तो अपने आप सोचो, आयरन स्मेल्टर्स की अगर जैसे वीवर्स का ही क्लोथ नहीं बिक रहा था इंडियन मार्केट में, तो हमारे आयरन स्मेल्टर्स के आयरन की डिमांड इंडियन मार्केट में ही नहीं है, तो क्या वो ऐसा काम करेंगे? नहीं. तो इन दिस वे दीज आयरन स्मेल्टर्स दे हैड टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स. First of all, forest law, then high taxes, then Indian markets were flooded with the iron and steel products of Britain. So there was no demand of iron and steel products. So Indian iron and steel products, inki demand nahi thi. Jitne bhi tools, utensils, jo bhi banne the, wo mostly Britain se aaye hue iron and steel se banne the. तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गया. नाउ व्हाट हैपेंड, आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया, फिर भी आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज बनी. इसमें एक शॉर्ट सी स्टोरी है, नाउ लिसन केयरफुली. 1904 की बात है. इन द मंथ ऑफ अप्रैल चार्ल्स वेल, कौन है चार्ल्स वेल? एन अमेरिकन जियोलॉजिस्ट चार्ल्स वेल एंड दोराब जी टाटा, ये दोनों, चार्ल्स वेल्ड अमेरिकन जियोलॉजिस्ट एंड दोराब जी टाटा एल्डेस्ट सन ऑफ जमशेद जी नुसरवंजी टाटा. जमशेद जी नुसरवंजी टाटा का बड़ा बेटा दोराब जी टाटा एंड चार्ल्स वेल्ड, ये दोनों ही छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट में आयरन ओर की खोज में जा रहे थे. छत्तीसगढ़ में आयरन ओर की खोज के लिए निकले दोनों ही. खूब इन्होंने टाइम स्पेंड किया वहां पे. दे स्पेंट मैनी मंथ्स इस बात के लिए इन सर्च ऑफ आयरन ओर. जमशेद जी टाटा जो था ना, ही डिसाइडेड to spend a large part of his fortune to build a big iron and steel industry. क्योंकि वो decision ले चुके थे कि वो क्या setup करेंगे इंडिया में, iron and steel industry, बहुत large scale पे iron and steel industry setup करने का decision लिया था. But कैसे setup करनी थी without iron ore?
अगर आयरन और ही नहीं मिलेगा तो कैसे सेटअप होगी इंडस्ट्री। वन डे, अब एक दिन, आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर मैनी आवर्स, वो रोज इस खोज में निकल पड़ते थे। एक दिन कहते वो जा रहे थे, आफ्टर ट्रेवलिंग लॉन्ग आवर्स इन द फॉरेस्ट, वेल्ड एंड दोराब जी केम अपॉन अ स्मॉल विलेज। अब ऐसे ही टहलते टहलते किधर चले गए, एक स्मॉल विलेज में, एंड फाउंड अ ग्रुप ऑफ मेन एंड वुमेन कैरिंग बास्केट लोड्स ऑफ आयरन ओर। क्या देखा उन्होंने, ग्रुप देखा मेन एंड वुमेन का, वो बास्केट्स में आयरन ओर लेके जा रहे थे। दीज पीपल वर अगरियास, अब ये कौन थे, अगरिया, अगरिया, ठीक है। अब उन्हें पूछा गया, इन्होंने उनसे पूछा, when asked where they had found the iron ore, उनसे पूछा कि कहां से लाई हुई आयरन ओर, तो उन्होंने एक हिल की तरफ इशारा किया, pointed to a hill, these people pointed, agaria people pointed to a hill, कि उस पहाड़ी से वो लेके आए। अब वेल्ड एंड दोराब जी रीच द हिल, अब वो उसी हिल पे पहुंच गए, आफ्टर एन एग्जॉस्टिंग थ्रू डेंस फॉरेस्ट, इतना थक चुके थे कि वो उस पहाड़ी पे पहुंच गए। ऑन एक्सप्लोरिंग द हिल द जियोलॉजिस्ट डिक्लेयर्ड दैट दे हैड एट लास्ट फाउंड व्हाट दे हैड बीन लुकिंग फॉर। अब जियोलॉजिस्ट कौन था बीच में, चार्ल्स वेल्ड, तो उसने क्या डिक्लेयर किया कि जिसकी खोज में वो निकले थे उन्हें मिल गया, आयरन ओर की खोज में निकले थे ना, तो उन्हें फाइनल वैरायटी आयरन ओर मिल गया। तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड का सबसे फाइनेस्ट ओर है, जिसकी खोज में वो निकले थे उन्हें वो वहां से, उस विलेज से मिल गया, हिल से मिल गया, एंड दैट वाज द फाइनेस्ट ओर इन द वर्ल्ड। अब प्रॉब्लम थी, इंडस्ट्री सेटअप करनी थी, तो इस एरिया में इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो पा रही थी, बिकॉज वहां पे रिवर नहीं थी। अब इंडस्ट्री को वाटर भी चाहिए था, इंडस्ट्री उसी एरिया में होगी ना जहाँ पे वाटर भी होगा, ठीक है ना, तो दैट रीजन वाज ड्राई। अब उस रीजन में तो इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो रही थी, नो दे लुक्ड फॉर अ रीजन वेयर दे कुड सेटअप एन इंडस्ट्री। किसका डिसीजन था टू सेटअप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, दोराब जी टाटा, जमशेद जी टाटा का डिसीजन था कि वो बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री सेटअप करेंगे इन इंडिया। अब उनको एक रीजन, ऐसा रीजन चाहिए था जहाँ पे वो इंडस्ट्री सेटअप कर सकते, बट जहाँ पे ओर था वहां पे वो सेटअप नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज दैट वाज ड्राई रीजन। अब उन्हें वो रीजन चाहिए था जहाँ पे उन्हें वाटर मिल सकता। आफ्टर सर्चिंग, अब उन्हें एक सूटेबल प्लेस मिली जहाँ पे वो सेटअप कर सकते थे अपनी फैक्ट्री। अगरियाज ने उन्हें किस बात में हेल्प की, टू फाइंड आउट ओर, आयरन ओर, अगरिया ने उन्हें आयरन ओर ढूंढने में हेल्प की। अब यही आयरन ओर बिलाई स्टील प्लांट को भी जाता रहा। आफ्टर अ फ्यू इयर्स फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सुबर्णरेखा टू सेट अप फैक्ट्री एंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप जमशेदपुर। जमशेदपुर में रिवर सुबर्णरेखा के पास, पहले तो उन्होंने फर्स्टली दे क्लियर द फॉरेस्ट एरिया इन जमशेदपुर रीजन एंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सुबर्णरेखा दे सेट अप द इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेटअप की। अब यहाँ पे आयरन ओर भी इजिली आ सकता था और वाटर की सप्लाई भी थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, TISCO, what's the full form of TISCO, Tata Iron and Steel Company, Tata Iron and Steel, TISCO की full form paper में पूछी जाती है, ठीक है, Tata Iron and Steel Company, अब Tata Iron and Steel Company setup होगी 1912, is it clear, किसने setup की, जमशेद जी टाटा, ठीक है, कौन उस आयरन ओर की खोज में निकले थे, नेम द जियोलॉजिस्ट चार्ल्स वेल्ड एंड नेम द एल्डर सन ऑफ जमशेद जी टाटा दोराब जी टाटा, हु हेल्प देम टू
get finer variety of ore agarias, ठीक है, तो ये याद रखना आप कहाँ पे उन्होंने अपनी बड़ी सी एक इंडस्ट्रियल टाउन सेटअप किया, जमशेदपुर, ऑन द बैंक ऑफ रिवर सुबर्णरेखा, ऑन द बैंक ऑफ रिवर सुबर्णरेखा. नेक्स्ट, अब पिस्को वाज सेट अप एन ऑपर्चून टाइम ऑल थ्रू द लेट 19th सेंचुरी. इंडिया वाज इंपोर्टिंग स्टील दैट वाज मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटेन. अब जब पिस्को आई तो उन दिनों इंडिया स्टील कहां से मंगवा रहा था, आयरन एंड स्टील फ्रॉम, इंडिया वाज इंपोर्टिंग आयरन एंड स्टील फ्रॉम इन दोस डेज. तो उन दिनों देयर वाज एक्सपेंशन ऑफ रेलवे इन इंडिया बिकॉज ब्रिटिश इंडिया में रेलवे लेके आए. यू नो इट वेरी वेल, 1853 में रेलवे आई इंडिया में. बॉम्बे टू थाने की पहले फर्स्ट ट्रेन जो सेटअप लाइन, रेलवे लाइन सेटअप हुई थी. अब रेलवे के लिए दे नीडेड आयरन एंड स्टील, क्योंकि रेलवे ट्रैक बनाने थे, स्लीपर्स बनाने थे, नाउ दे नीडेड आयरन एंड स्टील. तो मोस्टली आयरन एंड स्टील कहाँ से आ रहा था, ब्रिटेन. ब्रिटिश जो थे वो बिलीव ही नहीं करते थे कि इंडिया में फाइनर वैरायटी आयरन एंड स्टील हो सकता. ब्रिटिश एक्सपर्ट्स इन इंडियन रेलवे वर अनविलिंग टू बिलीव, वो बिलीव ही नहीं करना चाहते थे दैट गुड क्वालिटी स्टील कुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. वो कहते थे इंडिया में हो ही नहीं सकता, गुड क्वालिटी स्टील प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता. बट पिस्को के लिए कह लो गुड अपॉर्चुनिटी उन दिनों. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1912 में पिस्को आई, 14 में क्या स्टार्ट होगी. देखो पिस्को के लिए कितना गोल्डन पीरियड निकल गया हो कि ब्रिटेन वॉज बिजी, ब्रिटेन अपने इंग्लैंड में बिजी हो गया इन मेकिंग वॉर रिलेटेड गुड्स. ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज जो थी वो वॉर रिलेटेड गुड्स बनाने में बिजी हो गई. तो ब्रिटेन से जितना आयरन एंड स्टील इंडिया में आता था ना वो डाउन चला गया, अब नहीं आता. तो वो तो वॉर में, ब्रिटेन तो इसमें इन्वॉल्व हो गया, वॉर में बिजी हो गया. तो आयरन एंड स्टील जितना भी ब्रिटेन से आ रहा था वो उसकी सप्लाई क्या हो गई. अब वो इंडिया आयरन एंड स्टील थोड़ा भेजेगा, वो अपनी कंट्री में पहले वॉर रिलेटेड गुड्स बनाएगा, ठीक है ना. तो वो इंडिया में क्यों भेजेगा आयरन एंड स्टील, तो ब्रिटेन अपनी कंट्री में बिजी हो गई. अब रेलवे जो लाइन के लिए जो आयरन एंड स्टील था वो कहाँ से लिया गया, पिस्को. अब रेलवे के लिए जितना भी आयरन एंड स्टील चाहिए था ना वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी पे डिपेंडेंट हो गए. टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी से सारा रॉ आयरन एंड स्टील जाना शुरू हो गया, ठीक है. अब जैसे ही वार ओवर हुई ब्रिटेन से आयरन एंड स्टील की सप्लाई दोबारा स्टार्ट हुई. बट उतने टाइम में इसको एक लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज बन चुकी थी, टिस्को अपना नाम बना चुकी थी. तो टिस्को को वो फिर कंपीट नहीं कर पाए, ठीक है. मींस वार के कारण टिस्को पॉपुलर हो गई, टिस्को का जितना भी आयरन एंड स्टील है वो यूज होना शुरू हो गया. वार ओवर हुई बट उतने टाइम में टिस्को बिकेम द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर. ये बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री तब तक बन चुकी थी. और एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं कि इंडियन कॉटन टेक्सटाइल हमारी कम्पीट नहीं कर पाई ना पिकनिंग में ब्रिटेन को, नहीं ना कर पाई हमने, कल पड़ा कि इंडियन कॉटन टेक्सटाइल हमारी कॉटन टेक्सटाइल कम्पीट ही नहीं कर पाई बिगनिंग में, क्योंकि उनका चीप था क्लोथ, ठीक है, मिल में था, चीप था. तो हमारे लोगों के लिए कम्पीट करना वॉज नॉट ईजी वर्क. बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, ब्रिटेन से सारी सप्लाई बंद हुई, ब्रिटेन ने इंडिया की इंडस्ट्रीज जो थी वहां से क्या बनवाई, यूनिफॉर्म ऑफ द सोल्जर्स, बैग्स बनवाई, शूज बनवाए. तो ब्रिटेन अपने वार में इंडल्ज हो गया, इंडिया की आयरन एंड सॉरी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लरिश कर गई. नो डाउट वार के बाद दोबारा मिल में क्लोथ इंडिया में आया, ठीक है, दोबारा उसकी डिमांड बनी. बट फिर इंडिया में आ गई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नेशनलिस्ट मूवमेंट आती गई. तो नेशनलिस्ट मूवमेंट के पीरियड में इंडियन वर आस्क्ड टू यूज इंडियन गुड्स नॉट ब्रिटिश गुड्स. अब लोगों को कहा गया मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग यूज इंडियन गुड्स, इंडियन इंडिया की गुड्स यूज करो. व्हाई क्वॉटेड द ब्रिटिश गुड्स, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं
इंडियन गुड्स की डिमांड इंडिया में बढ़ गई। आफ्टर वॉर भी नेशनलिस्ट मूवमेंट ने अपना रोल प्ले किया एंड डिमांड ऑफ इंडियन गुड्स इन इंडियन मार्केट्स इंक्रीज। सो इन दिस चैप्टर यू हैव रेड अबाउट मोस्टली अबाउट वीवर्स। आपने वीवर्स के बारे में पढ़ा, कैसे कैसे वीवर्स को प्रॉब्लम्स आई, कैसे वो कम्पीट ही नहीं कर पाए टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ब्रिटेन से, पर इधर उनके क्लोथ की डिमांड बहुत ज्यादा थी बिकॉज ऑफ फाइनर वैरायटी, कस्टम ड्यूटीज आ गई, उनका क्लोथ चीप था, वीवर्स के पास रॉ मटेरियल नहीं था, ये सारा पढ़ चुके हैं। वीवर्स की प्रॉब्लम्स बढ़ गई एंड वीवर्स लुक फॉर अदर काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशन। पता है ना, यहाँ पढ़ चुके हो सारा, या तो वो प्लांटेशन में काम करने गए या वो फिर एग्रीकल्चरल लेबरर्स बन के रह गए वीवर्स, बिकॉज उनके उनके क्लोथ की डिमांड वीवर्स लॉस देयर लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। यू हैव रेड देयर वाज शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, उनके पास रॉ मटेरियल ही नहीं था तो वीवर्स का काम तो बंद हो गया ना। फिर सेम एज आयरन एंड स्टील, ब्रिटेन में सबसे पहले जो इंडस्ट्री आई है दैट वाज आयरन एंड स्टील एंड इट वाज सॉरी कॉटन टेक्सटाइल वाज फॉलोड बाय आयरन एंड स्टील। याद रखना हमेशा, फर्स्ट इंडस्ट्री टू बी सेट अप इन ब्रिटेन कॉटन टेक्सटाइल, इट वाज फॉलोड बाय आयरन एंड स्टील, इट वाज फॉलोड बाय आयरन एंड स्टील ब्रिटेन किधर भेजता था, इंडिया। अब किसको किसको जो थी वो इंडिया की लार्जेस्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बनी। बहुत बड़ा इससे पहले तो चैलेंज फेस करना था किसको को, किसको के लिए, पहलो के गोल्डन कह सकते हो आप के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी लक लेके आई कि ब्रिटेन अपनी कंट्री में बिजी हो गया वार में और आयरन एंड स्टील की जितना वो ब्रिटेन से आता था वो बंद सप्लाई बंद हो गई। तो जितना रेलवे डिपार्टमेंट को आयरन एंड स्टील चाहिए था दे टोटली डिपेंडेंट अपॉन टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी पे। वार चली 14 से लेके 18 तक, इतने पीरियड में ये एक बहुत बड़ी लार्जेस्ट इंडस्ट्री बन चुकी थी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। सेम एज फॉरेन टेक्सटाइल, वार के बाद नो डाउट सप्लाई दोबारा स्टार्ट हो गई बट नेशनलिस्ट मूवमेंट्स भी तो बीच में ही आई। अब वार चली 1914 to 1918, फर्स्ट मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में, आप कह सकते हो कि जनवरी 1921 में तो ये लॉन्च हो गई थी ये मूवमेंट। इस मूवमेंट में गांधी जी ने यही तो मैसेज दिया था कि बाई गॉड ब्रिटिश गुड्स, यूज इंडियन गुड्स एंड इंडियन पीपल वॉन्ट ब्रिटिश गुड्स इन टी, देरों के देर ब्रिटिश गुड्स को आग लगाई थी। तो अपने आप सोचो कि ये चीजें कैसे इतने मतलब इन्हें टफ कॉम्पिटिशन फेस करके भी दोबारा कैसे इन्हें फिर अपॉर्चुनिटीज मिली हमारे वीवर्स को भी, और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कैसे सेटअप हो गई, कैसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन ब्रिटिश एम्पायर ये बन गई। तो इस चैप्टर में अभी इतना ही, अभी कल हम करेंगे एक्सरसाइजेस, फॉर दैट यू हैव टू रीड द चैप्टर थॉरली एंड देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स।